नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस वेल्थ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसे स्टॉक्स आपके सामने लेके आया हूँ जिनको आप स्विंग ट्रेडिंग के नज़रिए से अपने ट्रैकिंग लिस्ट में या अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इनमें से बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जिनमें बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है और वो पैटर्न ब्रेकआउट होने के बाद आपको अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें ब्रेकआउट हो चुका है या कुछ ऐसे हैं जो अपने सपोर्ट के आसपास करंटली कोट कर रहे हैं और वहां पे बाइंग करने से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं एक स्पेशल ऑफर के बारे में भी आपको बताऊंगा। अगर आप न्यू ट्रेडर्स हैं तो आप उस ऑफर का फायदा बहुत ही अच्छे से उठा सकते हैं। वो ऑफर क्या है उसको देखने के लिए ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे। मैं निफ्टी का एनालिसिस और स्विंग ट्रेडिंग से जुड़े हुए कई स्टॉक्स के बारे में जानकारी देता हूं। जो भी डिटेल्स है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल में मैं स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए डेली जो मेरे आइडियाज रहते हैं वो भी शेयर करता हूँ। बेसिकली निफ्टी के अंदर आप देख सकते हैं, आज मैंने लगभग 12:15 के आसपास बताया था कि इसमें निगेटिव डाइवर्जेंस हमको बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं उसके बाद से निफ्टी में किस तरीके की गिरावट आई थी। यहाँ पे मैंने न्यू शॉर्टिंग ना करने का सजेशन दिया था, इवन दो उसके बाद 50-60 पॉइंट्स का फॉल हमको और ज्यादा देखने को मिला था, लेकिन मार्केट में रिकवरी भी वापस आई थी। तो इस तरीके के एनालिसिस मैं शेयर करता हूं और साथ ही साथ ट्रेडिंग से जुड़े हुए सजेशंस भी शेयर करता हूं। आज मॉर्निंग में ही मैंने निफ्टी के ऑप्शंस में बाय करने का एक सजेशन शेयर किया था जो वैलिड नहीं रहा था, क्योंकि काफ़ी देर तक वो कॉल एक्टिवेट नहीं हुआ था, जिसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। बस थोड़ी देर के बाद ही वो एक्टिवेट हुआ और उसने अपने 260 पॉइंट तक का लेवल हमको देखने को मिला था। बट क्योंकि एज पर हमारे रूल्स हमको उस ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना था। वैसे ही दूसरा कॉल मैंने लगभग 1:30 बजे के आसपास दिया था, जिसमें पीई और सीई मैं दोनों के लेवल्स बताता हूं किसके ऊपर जाने पे आपको बाय करना है। अनटिल अनलेस वो लेवल क्रॉस नहीं होते आपको ट्रेड नहीं लेना होता है। 111 के ऊपर पीई का मैंने बाय करने का सजेशन दिया था, जिसने अपना हाई और हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग लेवल था वो लगभग 117 का था, जो जहां मैंने प्रॉफिट बुकिंग करने का मैसेज दे दिया था। उसके बाद आप मार्केट देख सकते हैं कि लगभग 100 से 150 पॉइंट गिर गया था, यानी कि यही जो लेवल है वो लगभग 220 पॉइंट के आसपास पहुंच गए थे। बट जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, उनको अपने ग्रीड के ऊपर कंट्रोल करना है और जैसे ही टारगेट अचीव होता है हमको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वही चीज़ मैंने अपने चैनल पर भी सजेस्ट की थी। चलिए हम अपने पहले स्टॉक के साथ अब शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला स्टॉक है वो है L&T फाइनेंस होल्डिंग। इस स्टॉक को आप देख सकते हैं, अगर मैं सबसे पहले वीकली चार्ट पे अगर इस स्टॉक को आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इस स्टॉक में बहुत ही अच्छी एक गिरावट चलती आ रही थी अपने हायर लेवल से, यानी कि लगभग 200 रुपए के लेवल के आसपास से। उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया इन लेवल्स को और उन्हीं लेवल को टेस्ट करके एक और बाउंस हमको देखने के लिए मिल चुका था। अब इसी चीज को मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाऊं तो हमको वही चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर होती हुई नजर आएगी। हम देख सकते हैं हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है जो कि पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और गिरने के टाइम पे यही हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है, यानी कि लगभग 86 से लेकर के हम बोल सकते हैं 82 का जो लेवल है वो हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इसके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं 84 से 85 रुपीज के आसपास अगर स्टॉक आपको मिलता है। जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, बट लो रिस्क ट्रेडर्स के लिए मैं लोअर लेवल्स या 84 लेवल्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा इसका 79 का निकल के आता है। तो जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं वो 85 के आसपास या 84 के आसपास बाय करें, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। अपसाइड मोमेंटम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 88, 95 और 100 रुपीज के टारगेट हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। 88 के ऊपर की क्लोजिंग होने के बाद हमारी वाली जो ट्रेंड लाइन है वो हमको ब्रेकआउट होती हुई नजर आएगी और उसके ऊपर हमको 95 और 100 रुपीज के लेवल्स भी मिल जाएंगे। 102 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग होने के बाद हमको 110 रुपए तक के भी लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। बट नियर टर्म में या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपको 95 टू 100 रुपीज के लेवल आसानी से मिल सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एस्कॉर्ट्स। इसको भी आप देख सकते हैं, इसमें हमको एक तरीके से अपर वेज का चैनल बोल सकते हैं या फिर कुछ लोग बोल सकते हैं इसको असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। जो हमारे हाई से वो ऑलमोस्ट सेम लेवल के बने हैं और आज के दिन में हमको इस स्टॉक के अंदर बहुत ही अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नजर आया है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी काफी अच्छी इस स्टॉक के अंदर आई है।
इस स्टॉक को करंट लेवल पे बाय करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। आप इस स्टॉक के अंदर वेट कर सकते हैं, स्टॉक जब वापस से नीचे आएगा लगभग 230 या फिर 225 रुपीज के आसपास या 245 रुपीज के आसपास, आप उस समय इस स्टॉक के अंदर एंट्री कीजिए। अब क्योंकि ये 1000 रुपए का स्टॉक है तो एटलीस्ट स्टॉप लॉस इसके अंदर लगभग हमारा 1120 का निकल के आ रहा है, जो थोड़ा दूर का निकल के आता है। अपसाइड टारगेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें 1320, 1360 और 1440 के हमको नियर टर्म में टारगेट नजर आते हैं। 1440 से लेके 1460 का हमारा एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये जोन हमारा एक तरीके से लाइफ टाइम हाई लेवल्स भी हैं। 1470 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन कर लेता है तो हमको 1550 रुपए तक की भी लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। बट 1550 लेवल के लिए आपको थोड़ा पोजिशनल व्यू बनाना पड़ेगा, यानी कि 3 से 6 महीने तक आपको रुकना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आप इसके अंदर 1350 से 1400 रुपए के टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जिस स्पेशल ऑफर के बारे में मैं बात कर रहा था वो है, मैं स्टॉक मार्केट का एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जिसका 4th बैच करंटली चल रहा है। 5th बैच पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वीकेंड से मैं स्टार्ट कर दूंगा। इस कोर्स के ड्यूरेशन में मैं आपके साथ 3 इंट्राडे स्ट्रेटजीज भी शेयर करूंगा जिसका फायदा आप अच्छे से उठा सकेंगे। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अगर आपको और डिटेल्स पता करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों का ही लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला जो स्टॉक है वो है रूपा। इसको मैंने पास्ट में 19 मई के आसपास सजेस्ट किया था लगभग 310-315 के आसपास। वहां से स्टॉक में लगभग 200 पॉइंट की रैली ऑलरेडी दिखा चुकी है। करंटली स्टॉक जो है 500 रुपए के लेवल्स को टच करके वापस नीचे आया है। स्टॉक के अंदर हमको एक और फ्लैग का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक को आप 480 से 470 यानी कि करंट लेवल के आसपास बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो काफी कम हो जाएगा। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे आप 448 का लगा सकते हैं। अपसाइड पोटेंशियल इस स्टॉक के अंदर करंट लेवल से जो निकल के आता है वो 500 रुपए का हमको आसानी से मिल जाएगा। 545 और 580 हमारे नेक्स्ट टारगेट रहेंगे। अगर 600 रुपए के ऊपर की इसके अंदर हमको क्लोजिंग मिल जाती है तो हमको इसके अंदर बहुत ही आसानी से 680 तक के भी लेवल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, हमारा अगला स्टॉक है सन फार्मा। इस स्टॉक को मैं कई बार पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ। 5 मई के आसपास मैंने कप एंड हैंडल का पैटर्न इसके अंदर बताया था, जिसमें बोला था कि लगभग आप करंट लेवल पे यानी कि लगभग 650 के आसपास पे बाय कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हमने जो टारगेट सेट किए थे वो लगभग 710 से 760 रुपए के टारगेट सेट किए थे, वो हमको बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल गए थे। मैंने उसके बाद एक और ब्रेकआउट रीटेस्ट के लेवल को बताया था लगभग 25 जुलाई के आसपास, यानी कि इन लेवल के आसपास, और वहां से जो हमने टारगेट सेट किए थे वो 800 रुपए के आसपास के सेट किए थे। वो लेवल्स भी हमारे सेट हो चुके हैं, अचीव हो चुके हैं। अब हमारा तीसरा पैटर्न इसके अंदर हमको नजर आ रहा है, वो है हमारा करंटली फ्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हो सकता है कंसोलिडेशन थोड़ा और लंबे समय तक चल सकता है, इसलिए आपको इसके अंदर बाय करनी है सिर्फ और सिर्फ 805 रुपए के ऊपर की अगर क्लोजिंग देता है विद वॉल्यूम एडिशन, उसी केस में आपको इसको बाय करना है। इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे 760 का निकल के आता है, यानी कि उसके नीचे की अगर क्लोजिंग होती है तो ही आप अपना लॉस बुक कीजिए या ट्रेड को क्लोज कीजिए। अपसाइड पोटेंशियल जो इसके अंदर है वो 820 से लेकर लगभग 900 रुपए तक के इसके अंदर टारगेट हमको नजर आते हैं। दोस्तों, हमारा अगला स्टॉक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अंदर हमको सॉसर का पैटर्न करंटली बनता हुआ नजर आ रहा है। ये स्टॉक को आप देखेंगे, इसने अपना हाई लगाया था लगभग मार्च की स्टार्टिंग के आसपास 1300 रुपए के आसपास, और करंटली उसी लेवल पे स्टॉक कोट कर रहा है। दो बार उन लेवल से स्टॉक में गिरावट हमको देखने के लिए मिली थी। करंटली यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हमको नजर आती हैं, या तो ये सॉसर का पैटर्न या कप का पैटर्न बना के ब्रेकआउट हो जाएगा, या फिर इसमें हैंडल का फॉर्मेशन होगा। तो पॉसिबिलिटी है स्टॉक इस तरीके से नीचे की तरफ जाके और अगेन हमको इसके अंदर बाउंस देखने के लिए मिले। आपको बाय इसके अंदर करना है सिर्फ और सिर्फ 1320 रुपए या 1325 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग होती है, उसके बाद ही इसके अंदर आपको बाय करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस इसके अंदर काफी नीचे यानी कि 1145 का निकल के आ रहा है। इन केस आपको इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, यानी कि यहां से हमको अगर गिरावट बनती हुई नजर आती है, तो आप इस स्टॉक के अंदर लगभग 1230 से 1200 रुपए के आसपास भी बाय कर सकते हैं, ताकि आपके स्टॉप लॉस सिर्फ 50 या 45 रुपए का ही निकल के आए। अपसाइड पोटेंशियल इसके अंदर हमको काफी अच्छा निकल के आ रहा है, क्योंकि कप एंड हैंडल का पैटर्न जब भी बनता है अपसाइड बहुत ही अच्छी निकल के आती है। 1380, 1470, 1580 और लगभग 650 तक के लेवल्स हमको इसके अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। बट अंटिल अनलेस ये
पैटर्न स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हमको हायर लेवल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करूंगा जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की वो आपके लिए यूजफुल होगी, जिसका फायदा आप सही तरीके से उठा सकेंगे। ऐसा डिस्क्लोजर आपको बताना चाहूंगा, जो भी लेवल्स या स्टॉक के बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कशन किया है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं किसी को कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दे रहा हूँ। मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती तो एक बार आपने किसी भी ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में अपना बाय या सेल का पोजीशन बनाएं।